जगदलपुर से प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाने और टिकट वितरण को लेकर पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला। रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस में बहुत सारी सीटें डिक्लेयर नहीं हो पा रही हैं, 60 सीटों में विवाद की स्थिति। उन्होंने कहा परिवारवाद पॉलिटिक्स पर राहुल गांधी के आरोप पर डॉ. रमन सिंह ने कहा कि जिस खानदान ने पॉलिटिक्स करते हुए 70 साल काम किया, इस 70 साल में कांग्रेस में दूसरा नाम नहीं आया। भाजपा के 4 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा को लेकर रमन सिंह ने आगे कहा कि 1-2 सीटों पर हलचल की स्थिति है, 1-2 दिन में लिस्ट आ जाएगी। लेकिन वहीं पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने चुनाव की तारीख को बदलने की भी मांग की। 9 के टिकट का वितरण भी शुरू हुआ है और उसमें जो नाम निकल के आ रहे हैं वो निश्चित रूप से लोगों के कांग्रेस की लिस्ट न होकर अलग अलग व्यक्तियों की सूची दिख रही है। उनका परिवार परिवार नहीं होता, उनके परिवारवाद में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा परिवारवाद यदि किसी राजनीतिक दल के अंदर है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी, और ये परिवारवाद का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। और कांग्रेस जो परिवार के लोगों को टिकट देती है तो भूपेश जी उसमें मौन रहते हैं, वो उनको नहीं दिखता।